हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव मोहनी। तो आज मैं यहाँ पर श्रावण स्पेशल अपने जो हमारे पास शिव परिवार की जो मूर्ति है मैं इसका श्रृंगार करूँगी, और इसमें जो हमारे शिव जी हैं और गणेश जी हैं और इनके साथ ही साथ हमारी गौरा मैया भी हैं, तो मैं इनका श्रृंगार करके बताऊँगी कि ये कैसे लग रहे हैं। जो कि मैंने अभी एक दिन पहले मैंने इनका एक ड्रेस शेयर किया था बना करके, जिसमें एक ही बैंड पर तीन ड्रेस शेट थी दो तीनों के लिए, तो उनका जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी। और वो जो ड्रेस है मैं आपको इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि उस ड्रेस को कैसे पहनाया जाता है, और यहाँ पर आज मैं उनका पूरा श्रृंगार बताऊंगी कि उसे कैसे करना है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं श्रृंगार के लिए। देखिए, आज हमारे जो शिव जी हैं वो ये वाली ड्रेस पहनेंगे। इसमें एक ही बैंड पर तीन ड्रेस सेट हैं, और इसका जो वीडियो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे जस्ट इसी वीडियो के नीचे अपलोड मिलेगा आपको, तो आप वहाँ से जाकर के इसे देख सकते हैं। और ये मैं इसे हमेशा ऐसे ही कवर करके कोई भी ड्रेस मैं बनाती हूँ तो इसे ऐसे ही रखती हूँ, तो इससे क्या रहता है कि बहुत प्रोटेक्ट रहती है हमारी ड्रेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पर श्रृंगार का क्या सामान यूज कर रही हूँ, जो कि स्पेशल सावन के लिए ही मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ पर मैं जितनी चीज़ें आपको दिखाऊंगी वो टोटली हैंडमेड है, मैंने इसे खुद हाथ से ही बनाया है। तो चलिए पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया है। तो पहले मैं दिखा देती हूँ कि ये मैंने डमरू बनाया हुआ है शिव जी के लिए, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है क्योंकि मैंने इसे हाथ से बनाया है और बहुत अच्छा भी लग रहा है देखने में, और ये इजिली सेट भी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि हमारी जो गौरा मैया है वो ये वाला ड्रेस पहन सॉरी ये वाला नेकलेस पहनेंगी। इनके दो नेकलेस मैंने ले रखे हैं, एक ये चैन वाला है और एक ये नॉर्मली, ये भी लॉन्ग नेकलेस है बट मैं इसे शॉर्ट करके पहनाऊँगी। और ये इनकी मांग टीका है, ये इसमें मांग पट्टी भी ऐड है इसी के साथ, और ये भी मैंने हाथ से बनाया है। यहाँ पर मैं जितनी भी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ टोटली मैंने अपने खुद हाथ से बनाया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो ईयर रिंग है, आपको दिख पा रही है कि नहीं, एक सेकंड, इनकी ईयर रिंग है जो हम अपनी पार्वती माता को पहनाएंगे, तो ये हैं, ये दो भी हैं। और यहाँ पर देखिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने ये रुद्राक्ष की यहाँ पे माला बनाई हुई है, और यहाँ पे जो साइड ये दो रुद्राक्ष की माला अलग है शंकर जी के लिए और ये अलग है, तो मैं इन्हें भी पहनाऊँगी और इसे भी पहनाऊँगी। और यहाँ पर ये गणपति जी के लिए छोटा सा मुकुट मैंने बनाया है, और यहाँ पर ये शिव जी का मुकुट है ये, और ये पार्वती माता का मुकुट है। तो इस टाइप से मैं उनका सारा इन्हीं सब चीज़ों से श्रृंगार करूंगी, और अभी मैं आपको बताती हूँ कि इनका श्रृंगार मुझे कैसे करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। हमने अपने शिव जी को, पार्वती जी को और गणपति जी को अच्छे से स्नान करा दिया और उन्हें वस्त्र धारण करा दिया, और ये वस्त्र इनके ऊपर बिल्कुल फिट आया और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस ड्रेस को कैसे फिट किया है। तो देखिए, ये तो एक ही बैंड पे पूरे ही ड्रेस फिट थी, फिर मैंने यहाँ पर ये जो इनका पटका था इससे यहाँ पे यहाँ से क्रॉस करा करके और इसके अंदर अच्छे से कवर कर दिया है। और ये हमारी पार्वती मैया की ये इनकी ओढ़नी है, ये देखिए, और ये बहुत ही सुंदर लग रही, पर अभी हम ओढ़नी इन्हें नहीं उड़ाएंगे क्योंकि अभी इनका हमें श्रृंगार करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर से इनका श्रृंगार स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इन्हें नेकलेस पहनाऊंगी, ये देखिए। तो मैं सबसे पहले पार्वती मैया का यहाँ पर श्रृंगार कर रही हूँ, तो ये वाला जो नेकलेस मैंने आपको बताया था मैं यहाँ पर इन्हें पहनाऊंगी। ये एक्चुअल में है लॉन्ग नेकलेस बट मैं इसे शॉर्ट करके पहनाऊंगी, तो चलिए पहले मैं इसे पहना देती हूँ, ये देखिए, और ये बहुत ही सुंदर लगेगा थोड़ा सा, ये देखिए, मैं यहाँ पर इसे ऐसे सेट कर दूंगी पीछे से, ये देखिए, तो ये इस तरीके से हो जाएगा सेट, और यहाँ से भी सही आ रहा है, ये देखिए। अब हम इनकी जो इयर रिंग है इसे सेट करेंगे, तो मैंने आपको तो पहले ही इसकी इयर रिंग दिखा दी थी, ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर लग रही है, थोड़ा सा ये झुमकी शेप की है तो बहुत ही प्यारी लग रही है ये, तो मैं इन्हें यहाँ पर सेट कर दूंगी, ये देखिए। तो गाइज, मैंने इनकी जो इयर रिंग है उसे भी सेट कर दिया। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो लॉन्ग नेकलेस था उसे मैंने पहले पहनाया था, तो ये मैंने पहले इसे पहना दिया, बाद में इसे ये वाली शॉर्ट नेकलेस को पहनाया, इसके बाद मैंने लॉन्ग नेकलेस, इसके बाद मैंने इयर रिंग पहना दी है। तो इस टाइप से हमारी जो गौरा मैया है उनका इतना तो श्रृंगार हो चुका। अब हम यहाँ पर इनकी जो मांग टीका है और ये जो मांग पट्टी है ये वाला है, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये देखिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये वाला जो मांग टीका है ये बहुत ही सुंदर लगेगा, इनकी ज्वेलरी के सेट का भी है और बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बस कुछ नहीं, हम इसे ग्लू की हेल्प से
सेट कर देंगे यहाँ पर। ये जो मैं यहाँ पर ग्लू यूज़ कर रही हूँ, इस ग्लू से मैं इनकी पूरी ज्वेलरी को ऐसे ही सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इस टाइप से, ये देखिए, ये पूरा मैं ऐसे सेट करती जाऊँगी और ये बहुत ईजिली पहन भी लेती हैं। ये देखिए, एक इनकी ये जो ये वाली पट्टी है, इन्हें भी यहाँ मैं ऐसे सेट कर दूंगी। एक सेकेंड, मैं इसे सेट कर देती हूँ। तो ये देखिए, इस टाइप से हमारी ये जो गौरा मैया है, इनकी ये मांग टीका जो है वो सेट हो गया है। ये देखिए, इसे थोड़ा सा और सेट करने की ज़रूरत है, शायद ये अच्छे से चिपक नहीं पा रहा है। ये देखिए, तो इस टाइप से मैंने इन्हें अच्छे से सेट कर दिया है और इसे यहाँ पर सेंटर पे कर दूंगी। तो ये देखिए, आपको कैसी लग रही है हमारी गौरा मैया का ये जो पट्टी वाला है मांग टीका, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, गाइस देखिए, हमने इनकी मांग पट्टी को भी अच्छे से सेट कर दिया और बहुत ही सुंदर लग रही हैं ये। देखिए, इनकी जो झुमकी है, और सॉरी ईयर रिंग, ये झुमकी शेप में है इसलिए मैंने इसे झुमकी बोला। तो ये इनकी झुमकी के शेप का ही ये मांग टीका है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इनका श्रृंगार यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम इनकी जो नोज पिन है इसे भी लगा देते हैं। एक्चुअली मेरे पास दो हैं यहाँ पर, एक ऐसी है, ये जो नोज रिंग होती है टोटली, ये रिंग है जिसे नथ बोलते हैं, और एक ये मेरे पास नॉर्मली स्टोन है, तो मैं इस स्टोन को सेट करूँगी। एक्चुअल में क्या है, इतना हैवी श्रृंगार हो गया है तो मैं यहाँ पर ये सेट कर देती हूँ इस टाइप से। ये देखिए, तो ये बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए, और इनका अब टोटली इनका श्रृंगार कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर अपने गणपति के पास चलते हैं। तो गणपति जी तो वैसे भी बहुत छोटे हैं और इनका थोड़ा सा यहाँ पर हम नेकलेस वगैरह नहीं पहना पाएंगे। बस मैं यहाँ पर अब गणपति जी को ये मुकुट पहनाऊंगी। तो देखिए, मैंने इस पे ग्लू लगा लिया है। अब मैं इस पे गणपति जी के हेड पे इसे सेट कर दूंगी और ये अच्छे से लग भी जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये सेट हो गया और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। एक तो छोटे से हैं भी तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने में। और ये मैंने इनका जो मुकुट है इसे अच्छे से सेट कर दिया है, ये देखिए, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब हम यहाँ पर शिव जी का अब श्रृंगार करेंगे। तो शिव जी के श्रृंगार के लिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल, मैंने आपको दिखाया कि मैंने यहाँ पर रुद्राक्ष की जो माला बनाई है, इस पर नॉर्मल सी लकड़ी की ये मोतियाँ हैं साइड पे। तो अब मैं इसे यहाँ पर इन्हें पहना दूंगी। तो देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे इसे बांधना पड़ेगा पीछे से, तो इन्हें मुझे बैक करना पड़ेगा। तो इस टाइप से कुछ आएगा हमारे शिव जी का लुक। तो ये देखिए, इस टाइप से मैं इन्हें बांध दूंगी। तो ये जो ये वाला धागा, मैं यहाँ पर इसे अच्छे से यहाँ पर इन्हें पीछे से बांध दूंगी। तो चलिए, पहले मैं इन्हें बांध देती हूँ। ये देखिए गाइस, तो मैंने इनका ये जो नेकलेस है, सॉरी नेकलेस नहीं, माला ही बोलेंगे इसको, तो मैंने इनको माला भी पहना दी है, गणपति जी को इनका मुकुट भी पहना दिया है, और जो हमारी पार्वती मैया है उनका मैंने टोटली श्रृंगार कर दिया है। एक्चुअली मैंने इनको चूड़ी नहीं पहनाई है, इसलिए क्योंकि जो इनका हैंड है वो गणपति जी को गोद में ली हुई है, तो जिससे मैं इनको चूड़ी नहीं, ऐसे चूड़ी नहीं पहना पाऊंगी। और बाकी तो इनकी प्रिंटिंग है, तो उसमें से चूड़ियाँ तो ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी इनका जो मैंने ओवरऑल इनका श्रृंगार कर दिया है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप खुद भी आपको दिख रहा होगा इनकी, ये देखिए, बाघांबर वाला जो ड्रेस है इनके ऊपर बहुत ही सुंदर लग रहा है। और गणपति जी के सेंटर पे बिल्कुल आया है इनकी छोटी सी फ्रॉक, और पार्वती मैया का ये कली वाला लहंगा है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया ताकि आपको ये लहंगा मैं पहना कर बता सकूँ कि हमारे इसमें जो पार्वती और शिव जी की जो प्रतिमा है, जो हमारे भगवान है, वो कैसे लग रहे हैं। तो देखिए, इनका कुछ लुक इस टाइप का आएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो डमरू बनाया है, इसे मैंने लकड़ी से ही बनाया हुआ है, कट करके उसे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर धागे में दो मोतियों को ऐसे लगा दिया था ताकि ये थोड़ा सा डमरू शेप में आएगा। तो मैंने इसके पीछे ग्लू लगा दिया है। मैं ग्लू की हेल्प से इन्हें यहाँ पर अच्छे से सेट कर दूंगी डमरू को। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर इसे सेट कर दूंगी। ये देखिए, एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा, ये देखिए, एक्चुअली में निकल रहा है क्योंकि ग्लू लगा है, तो मैंने अभी इसे अच्छे से सेट नहीं किया है। ये सेट हो जाएगा, ये देखिए, तो ये कुछ इस टाइप का आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर डमरू लगा दिया। इसे थोड़ा सा मेरे ख्याल से और थोड़ा साइड में लगाना चाहिए, क्योंकि इनका जो माला है शिव जी का, वो इससे टकरा रहा है। ये देखिए, तो गाइज, आपको ये कैसा लगा हमारे ये डमरू, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है।
देखिए मैंने इनका पूरा श्रृंगार कर दिया। मैंने आपको शुरू में दिखाया था ये मुकुट, ये शिव जी का मुकुट है और ये पार्वती मैया का मुकुट है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पार्वती मैया को ये मुकुट नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि इनकी ये जो मांग पट्टी है ये बहुत ही सुंदर लग रही है। और थोड़ा सा इसलिए मैं नहीं पहनाना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं इन्हें ये मुकुट पहना दूंगी, ये देखिए, तो इनका ये जो पूरा शोवर है ना मांग पट्टी का पूरा चला जाएगा, और जिससे हमारी मांग पट्टी बिल्कुल नहीं दिख पाएगी। तो मेरे को लग रहा है कि इनको नहीं पहनाना चाहिए, मैं इसे स्किप कर दूंगी यहीं पे। और ये शिव जी को मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर मैं इन्हें मुकुट पहनाती हूँ तो ये कैसे लगते हैं। तो कुछ इस टाइप के लगेंगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे हमने इनको तीज के लिए तैयार कर दिया है। बाकी अभी तो चल रहा है सावन, तो देखिए मेरे को लग रहा है कि इसे नहीं पहनाना चाहिए, थोड़ा सा आज इनको ऐसे ही रहने दे। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल महादेव का आज इनका पूरा श्रृंगार हुआ है, तो कुछ अलग ही रहना चाहिए इनका। तो मैं इनको नहीं पहनाऊंगी, बल्कि हमने अपने गणपति जी को पहना दिया है इनका मुकुट। अब चलिए मैं इनका फाइनली ये जो माता पार्वती का ये चुनरी है, मैं इन्हें यहाँ पर ऐसे उड़ा दूंगी, ये देखिए। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि माता पार्वती का जो हमने श्रृंगार किया है वो कितना अच्छा लग रहा है। एक्चुअल में इतनी छोटी प्रतिमा में अगर इतना श्रृंगार हुआ है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाता है, छोटी प्रतिमा है इसलिए। बाकी मैंने श्रृंगार अपनी तरफ से 100% अच्छा करने की कोशिश की है। गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे पार्वती मैया का श्रृंगार कैसा लगा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इनकी जो चुनरी है इन्हें यहाँ पर पिन से पिन अप कर दूंगी, ताकि ये पीछे ना जाए। तो मैं देखिए यहाँ पर ऐसे पिन कर दूंगी, आप थोड़ा संभाल करके लगाइएगा ताकि इनकी जो प्रतिमा है इन पे चुभे ना, ये देखिए। इसे मैं अब देखिए यहाँ पे ये एकदम फिक्स हो जाएगा, ये देखिए। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर अपने पूरे शिव परिवार का अच्छे से श्रृंगार कर दिया। हमारी आज गौरा मैया बहुत ही सुंदर लग रही है, इनका श्रृंगार भी बहुत ही अच्छा लगा। गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारी आज का जो श्रृंगार है सावन स्पेशल वो कैसा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है आपको। तो आप लाइक भी करिएगा हमारे वीडियो को, अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी करिएगा, कोई वो नहीं है, है ना। तो देखिए मेरी जो मैंने अपने जो श्रृंगार शिव परिवार का जो श्रृंगार किया है वो बहुत ही अच्छे से मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है, और हो भी गया है। मैंने यहाँ पर डमरू भी सेट कर दिया है। एक्चुअल मैंने त्रिशूल नहीं बनाया था, क्योंकि हमारी जो शिव परिवार है उनके साथ ऑलरेडी इनका ये जो त्रिशूल है वो बना हुआ है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह हुआ है, तो उससे थोड़ा सा और उभर के वो दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर पूरा श्रृंगार अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है, और मैंने इसलिए स्पेशली ये वीडियो बनाया था ताकि आपको ये समझ में आए कि जो हमने ड्रेस बनाई थी जो अपलोड है वो कैसे सेट होती है। तो यहाँ पर आपके पास ऐसी मूर्तियां होंगी या ऐसा कोई भी शिव परिवार होगा आपके पास, तो आप ऐसे इजीली तरीके से इनकी ड्रेस बना सकते हैं, इनका श्रृंगार कर सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा हो उसके हिसाब से श्रृंगार आप कर सकते हैं। मुझे इनका श्रृंगार आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सावन स्पेशल है, हमारी गौरा मैया का जो लहंगा है उसमें ग्रीन से थोड़ा कलियां है, तो इसीलिए मैंने ऐसा बनाया था ताकि थोड़ा सावन में स्पेशल आ जाए हमारी गौरा मैया का लुक। तो देखिए हमने यहाँ पर तो कंप्लीट कर दिया। अब चलिए मैं इनकी इत्र सेवा कर देती हूँ, इसके बाद इनकी होगी पूजा। तो गाइज आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये हमारा जितना भी श्रृंगार हमने किया है वो कैसा लगा। तो देखिए मैं यहाँ पर इत्र लगा रही हूँ इनको, ये देखिए। पहले मैं गौरा मैया को ही लगा दूंगी, क्योंकि मैंने इनका सबसे पहले श्रृंगार किया था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा आपको बता रही हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर शिव जी का भी यहाँ पर लगा देती हूँ, देखिए गणपति जी के भी। अब हमारे गणपति जी तो बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, वैसे भी बहुत छोटे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और इनका जो मुकुट है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो गाइज आपको हमारा आज हमारे क्रिएशन हमारे शिव परिवार का जितना भी श्रृंगार है आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मैं इनका आपको पूरा ओवर लुक दिखाती हूँ, दिखाने की कोशिश करूंगी। ये देखिए थोड़ा पास में आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो शिव पार्वती हैं वो कैसे लग रहे हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैंने इनका किस टाइप से कैसे क्या श्रृंगार किया हुआ है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सावन स्पेशल मैंने श्रृंगार किया है। देखिए यहाँ पर मैंने बेलपत्र एक रख दी है, और यहाँ पर एक गुलाब का फूल था मेरे पास, मैंने वो भी रख दिया है। और यहाँ पर इनका डमरू तो बहुत अच्छे से सेट हो गया, वो गिरने वाला भी नहीं है। ग्लू से क्या है वो चिपक जाता है तो गिरता नहीं है। आप कोई भी चीज़ भगवान की जो है तो इनसे अच्छे से चिपका सकते हैं गाइस।
आई होप कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि श्रावण स्पेशल सभी को पता चले कि श्रृंगार एक्चुअल में कैसे करना है या फिर कैसे किया जाता है, सबको देखने में भी अच्छा लगता है ये। तो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।